नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 12 के वीकेंड का वार में। मैं हूं राहुल जौहर, एक बार फिर से आया हूं घर की चटपटी और मजेदार खबरें लेकर। सबसे पहले तो यहां हम बात करेंगे कि बिग बॉस वीकेंड का चौथा वीक चल रहा है, और अगर यहां पर सलमान की हम बात करें तो सलमान ने इस हफ्ते अपना गुस्सा तो नहीं बरसाया किसी पर, लेकिन हाँ कल की रात की अगर हम बात करें तो कल रात को सलमान ने तीखे सवाल जरूर यहाँ पर आए हैं सलमान के, चाहे वो कर्णवीर वोरा से हो या दीपिका से हो या घर के बाकी किसी कंटेस्टेंट से। यहीं पर अगर हम प्यार की थोड़ी बात करें तो दीपक ने गाना गाकर श्रीशांत के लिए अपना प्यार ज़रूर दिखाया। उन्होंने वही गाना गाया जो हर बार वो श्रीशांत के लिए गाते हैं, जिसमें श्रीशांत की पूरी जर्नी है, इंडियन क्रिकेट टीम की बात कहें या फिर उनके लाइफ में स्ट्रगल जितना उन्होंने किया है या जितना वो अपने देश से प्यार करते हैं, नीली जर्सी में खेलना चाहते थे या खेलना चाहते अब भी हैं, उसको लेकर दीपक ने उनके लिए एक गाना बनाया था, और वही गाना कल सलमान ने उनसे श्रीशांत को डेडिकेट करवाया। आपको सबको तो पता ही है कि अनूप जलोटा और श्रीशांत एविक्ट हो चुके थे, लेकिन वो घर से बाहर नहीं हुए और बिग बॉस के गेस्ट हाउस कह लें या फिर सीक्रेट रूम में कहें, वहाँ पर बैठकर सबके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो इस हफ्ते शुरुआत होते ही वीकेंड का वार में सलमान ने पूरे हफ्ते की जो कहानी थी वो घर वालों से बयां करवाई। सबसे पहले उन्होंने बात की कि तरह से इस हफ्ते श्रुति, सबा और नेहा के बीच में वो झगड़ा हुआ, उसके बाद जेल लग्जरी टास्ट में किस तरह से सबा ने झगड़ा किया, उसके बाद नेहा का झगड़ा वहाँ सामने आया, तो इस तरह की जो सारी चीज़ें थी उस पर सलमान ने बात की। इस पर बात करने के बाद सलमान ने कुछ तीखे सवाल किए थे वो करणवीर वोरा, और यहाँ पर दीपिका भी उसमें शामिल थी। दीपिका से सवाल ये था कि आपने श्रीशांत को एविक्ट क्यों करवाया या फिर श्रीशांत का नाम आपने एलिमिनेशन के लिए क्यों लिया। तो दीपिका का यहाँ पर काउंटर अगर हम कहें तो काउंटर करने के लिए दीपिका ने बोला था कि पिछले अगर बात करें दो हफ्तों की, तो श्रीशांत जब भी घर में आए हैं तो शुरुआत से वो यही कह रहे थे कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर से बाहर जाना है। तो इसी वजह से दीपिका ने श्रीशांत का नाम लिया, जबकि बाकी घर वालों का कहना है कि दीपिका काफ़ी क्लेवर हैं और उनको वो क्लेवर का टैग भी मिला है, यानी चालाक का टैग। जो सभी घर वालों को एक एक टैग मिला है उसमें से दीपिका को चालाक का टैग मिला। सभी घर वालों का कहना है कि दीपिका के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे श्रीशांत, इसलिए उन्होंने दीपिका ने उनका नाम लिया और श्रीशांत को घर से बाहर करवाया। ये सारी बातें श्रीशांत और अनूप जलोटा सीक्रेट रूम में बैठ कर सुन रहे थे, और दीपक का गाना सुनकर श्रीशांत थोड़ा इमोशनल भी हो गए। खैर ये तो हो गई पिछले हफ्ते की सारी बातें, कि हफ्ते में क्या क्या हुआ कल सलमान ने। तो सलमान ने यहाँ पर पूरे हफ्ते की बात भी कर ली कंटेस्टेंट्स के साथ, हंसी मजाक भी हुआ, कई तरह के गाने बजाए गए जो सलमान ने घर वालों के अलग अलग कंटेस्टेंट्स के लिए डेडिकेट किया, जैसे वो दीपिका हो या फिर करणवीर वोरा हो। करणवीर वोरा के लिए सलमान ने स्पेशली गाना डेडिकेट किया था कि मैं ऐसा क्यों हूँ। इस पर करणवीर वोरा ने हंसते हुए रिप्लाई भी दिया सलमान को, और काफ़ी हंसी मजाक नोक झोंक पूरे हफ्ते चलती रही। आप सभी ने देखा कि बिग बॉस सीजन 12 के सेट पर काजोल की एंट्री हुई, और काजोल सलमान के साथ ठीक उसी तरह से मिली जिस तरह से वो रियल लाइफ में भी मिलती, यानी कि दोनों रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सलमान और काजोल ने काफ़ी फिल्में भी एक साथ की हैं जहां पर उनकी दोस्ती और केमिस्ट्री देखने को मिली है हमें। तो कहीं ना कहीं यहां पर दोस्ती जिस तरह की काजोल और सलमान की है उसी तरह से कल वो सेट पर मिली। अब बात करते हैं आज की, कि आज सलमान के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद काजोल घर के अंदर जाएंगी, नवरात्रि स्पेशल पर डांस भी करेंगी घर वालों के साथ, और वहीं आपको बता दें कि कुछ गेम्स भी यहां पर खेले जाएंगे काजोल और घर वालों के बीच में, जहां पर सबसे पहला गेम कहें या टास्क की हम बात करें तो वो काजोल को मिलने वाला है। काजोल को एक पजल गेम में से अजय देवगन यानी अपने हस्बैंड को ढूंढना है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क आज होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज होंगी घर में। और बाकी अगर बात करें मौज मस्ती और फन की, तो वो बिग बॉस 12 के घर में हमेशा से हमें देखने को मिल रही हैं। तो बाकी की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 12 वीक इन का वार।